अपनी बल्लेबाजी की वजह से आजकल जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना कर रहे ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ विकेट कीपिंग में कमाल कर दिया। बांग्लादेश की दूसरी पारी में 46 ओवर हो चुके थे और बांग्लादेश का एक भी बल्लेबाज आउट नहीं था। टीम इंडिया बेसब्री से पहले विकेट का इंतजार कर रही थी क्योंकि बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी ने 124 रन की साझेदारी कर ली थी। ऐसे में उमेश यादव ने मौका दिलाया और गेंद स्लीप में विराट कोहली के हाथों में चली गई, लेकिन कोहली के हाथ से कैच छूट गया। बल्लेबाज ने एक सेकंड के लिए सोचा कि शायद उसे जीवन दान मिल गया, लेकिन ऋषभ पंत ने जबरदस्त रिफ्लेक्शन दिखाते हुए डाइव लगाकर छूटा कैच पकड़ लिया। ऋषभ पंत का कमाल देख बांग्लादेशी बल्लेबाज नजमुल हसन भी हैरान रह गए। ऋषभ पंत की शानदार विकेट कीपिंग और पहली पारी में 46 रन देख सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस सवाल उठा रहे हैं कि इतने शानदार बल्लेबाज और विकेट कीपर को T20 मैचों में क्या हो जाता है कि अच्छा नहीं खेल पाते, जबकि टेस्ट मैचों में T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करके विपक्षी टीम का ये दम निकाल देते हैं। भले ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत ज्यादा कमाल ना कर पाए हों, लेकिन टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत ने ऐसी जीत टीम इंडिया को दिलाई है जो बड़े बड़े बल्लेबाज पूरे करियर में नहीं कर पाए। टेस्ट मैचेस में शानदार खेल दिखाने वाले ऋषभ पंत व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा कामयाब क्यों नहीं है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।